सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5.4। 5.3 में हम लोग ने क्या देखा था कि एक हम लोग को एक्सपेरिमेंट दिया था, उस एक्सपेरिमेंट का हम लोग ने सैम्पल स्पेस बनाया, सैम्पल पॉइंट लिखे, और सैम्पल पॉइंट लिखने के बाद उसके बाद इवेंट दिए थे, तो इवेंट्स के भी नंबर हम लोग ने लिखे, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो इवेंट है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स जो भी हम लोग ने इवेंट यहाँ पे दिया है तो उसके जो पॉइंट्स रहेंगे, उसकी जो भी पॉसिबिलिटीज रहेगी, जो भी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी उसको मैथमेटिकल, उसको हम लोग नंबर्स में क्या करते हैं, लिखते हैं, उसको हम लोग नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, उसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। नहीं समझ में आया, सी नाउ अगेन, जो भी यहाँ पे तुम्हें इवेंट दिया है, राइट, जैसे गेटिंग नो हेड, नो टेल्स, वन हेड, एटलीस्ट नंबर ऑफ 10, ये सब इवेंट है, तो उस इवेंट का हमने क्या किया था, इवेंट को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, इवेंट को लिखने के बाद नंबर ऑफ इवेंट्स लिखे थे, समझ में आया। तो मतलब वो जो इवेंट वहाँ पे दिया है, कंडीशन जो दी है, गेटिंग वन हेड या फिर टू हेड, थ्री हेड, हेड ऑन द मिडल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये इसमें दिया है। सो जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार देखोगे अपने आप समझ में आएगा। नाउ सी, यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो कॉइन हम लोगों ने टॉस किए, क्या किए, दो कॉइन हम लोगों ने टॉस किए। इफ़ टू कॉइन्स टॉस तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, HT TH HH TT, ये हम लोग को पता है, बहुत सारे समय से हम कर चुके हैं। सो HT TH HH TT, ये इसका सैम्पल स्पेस है। सो नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना आया, 4, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट, 4। नाउ लेट इवेंट ए इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब ज़्यादा भी चलेगा, एटलीस्ट वन हेड मतलब ज़्यादा भी चलेगा। सो लेट इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड आना चाहिए, इसलिए ए इज इक्वल टू HT TH एंड HH, एटलीस्ट वन ना, तो वन से ज़्यादा भी चलेंगे। अब ये जो नंबर है वो नंबर कितने, 3 है, राइट। इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट हम लोग का 5.3 में हो चुका है, ये हम लोग ने 5.3 में देखा है, राइट, करेक्ट, सेम वैसे। अब इसके आगे का जो है वो हम लोग 5.4 में देखेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज़ नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस, कैसे फाइंड करना है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके नंबर अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, आया समझ में, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसके नंबर और सैम्पल स्पेस, तो 3/4, क्योंकि इसके नंबर कितने, 3 है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 3/4, और ये कितने, समझ में, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करने, जो नंबर ऑफ इवेंट हम लोग को यहाँ पे मिले हैं उसको नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस से क्या करना है, डिवाइड करना है। एक बात याद रखना है, नंबर ऑफ इवेंट ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, सैम्पल स्पेस, सॉरी, नंबर ऑफ इवेंट ऑलवेज लेस देन सैम्पल स्पेस, समझ में आया, इस बात को गौर से सुनना, मैंने जो बताया ना उसको बार बार सुनना, नंबर ऑफ इवेंट आर ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, क्योंकि इवेंट के जो है हम लोग सैम्पल स्पेस से निकालते हैं ना, तो कम ही रहेंगे, ज़्यादा कैसे रहेंगे, राइट। नाउ लेट इवेंट बी इज गेटिंग नो हेड, इवेंट बी में क्या होता है कि हम लोग को हेड चाहिए नहीं, एक भी नहीं चाहिए हेड, नो हेड, तो नो हेड कैसे आएगा, देखो बी इज इक्वल टू TT, क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं, सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 1/4, दैट इज 1/4, समझ में आया, ये है प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, 5.4 प्रोबेबिलिटी, ओके। तो 5.1, 5.4 का फर्स्ट सम यहाँ पे हुआ, ओके, राइट डाउन।